Hi everyone, how are you doing? Myself Toshba Shukla, your Paper 1 faculty at Baiju's Exam Prep. And here I am today to discuss a very important and a relevant topic for your Paper 1 ICT. That is you have to know the types of web. So, this one topic probably you must have missed in the past few days, or uh, you might be knowing yet not knowing in a structured way. So, this is for everyone the students who have given the examination preparing for interviews, or the students who are yet to give the examinations in the next, next cycle for everyone. So, quickly, let's see in this short video. क्या होता है वेब क्या है? 2.0 क्या है 3.0 क्या है 4.0 क्या है एंड इफ देर इज समथिंग लाइक 5.0, पॉइंट ओ वॉट एग्जैक्टली दिस इज ऑल अबाउट सो सबसे पहले ये एक आ, बोलना चाहिए क्रोनोलॉजी है जैसे हम आपसे बोलते हैं क्रोनोलॉजी समझिए पहले ये फिर ये फिर ये वैसे ही दिस इज लाइक एन एवोल्यूशन ऑफ द एंटायर इंटरनेट पर से सो पहले जो सबसे पहले इंटरनेट आ, का डिस्कवरी हुई थी

िका सो वेब वन पॉइंट हो रिफर्स टू द फर्स्ट स्टेज ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब सो अर्यर देर ओनली फ्यू कंटेंट क्रिएटर्स विद अज मेजोरिटी ऑफ यूजर्स कंज्यूमर्स सो यहाँ पे क्या होता था यहाँ पे क्रिएटर्स बहुत कम होते थे और कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा होते थे अभी कुछ अलग होने लग गया है नहीं अभी हम सब क्रिएट करते हैं वी ऑल आर क्रिएटर स्पेशली व्हेन वी गो टू इंस्टाग्राम और फेसबुक हाफ द वर्ल्ड इज लुकिंग लाइक अ क्रिएटर पहले क्या होता था क्रिएटर्स बहुत कम थे कंज्यूमर्स बहुत थे कोई भी इन वेब वन पॉइंट एडवर्टीजमेंट्स Uh, on websites by surfing the internet were banned. So अभी आप internet पे surf करते हो, websites पे जाते हो, काफी सारे ads होते हैं। पहले ये सब नहीं होता था, right? So it it was more like a content delivery network, एक network जिसके through हम सिर्फ primarily content deliver करते थे। So uh, the user interested can receive a particular piece of information। तो uh, क्या design essentials होते थे web 1.0 point okay. स्टैटिक पेजेस होते थे कंटेंट वॉज सर्व फ्रॉम द सर्वर्स फाइल सिस्टम पेजेस वर बिल्ट यूजिंग सर्वर साइट सो इट वॉज लार्जली डन यूजिंग द सी जी आई कॉमन गेट वे इंटरफेस फ्रेम्स एंड टेबल्स वर यूज टू अलाइन एंड मेनली द डिजाइनिंग पार्ट ऑफ इट बिकॉज इट वॉज स्टैटिक सो फिर आया वेब टू पॉइंट ओ वेब जहां पे वेब 1.0 पॉइंट हो वॉज ओनली स्टार्टिंग एंड देवर मोर कंज्यूमर्स देन क्रिएटर्स क्रिएटर्स कम होते थे अब वेब 2.0 में पार्टिसिपेटिव सोशल वेब बन गया अचानक से एंड इट वॉज मोर अबाउट कंटेंट यूज़बिलिटी इंटर ऑपरेटबिलिटी एंड इट वॉज फॉर एंड यूजर्स

यूजर्स uh, बढ़ गए मिलियन से बिलियंस हो गए रीड और राइट कर सकते हो पहले सिर्फ रीड कर सकते थे पार्टिसिपेशन और ये बाय डायरेक्शनल हो गया सो टू पॉइंटो इज मोर पार्टिसिपेटिव एंड बाय डायरेक्शनल पांच ऐसे मेजर फीचर्स हैं टू पॉइंट के सॉर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन डायनामिक कंटेंट जो भी यूजर के हिसाब से डायनामिक कंटेंट चाहिए वो मिलता है इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन द साइट ओनर एंड द यूजर बाई डायरेक्शनल वे में ठीक है आप भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो पार्टिसिपेट कर सकते हो

पॉडकास्टिंग क्यूरेटिंग वी स्टार्ट सोशल नेटवर्किंग सोशल मीडिया वेब कंटेंट वोटिंग ऑल दीज थिंग्स सो ये जितना भी सोशल मीडिया एंड ऑल दैट स्टार्ट टू कम ड्यूरिंग दैट टाइम एंड यू नो सो टैगिंग ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम सोशल नेटवर्किंग बुक मार्किंग ये सारी चीज़ें दो हजार चार से चली थी और दो हज़ार सोलह तक काफ़ी ज़्यादा फैशन में थी हम सब ने फेसबुक अकाउंट शायद

which web version is called as a semantic web semantic web is 3.0 tim berners lee executable web trillions of users ab aur zyada users ban gaye ab isme kya hone lag gaya virtual environment create hone lag gaya so, अगर मैं 3.0 पॉइंट ओ को एक शब्द में डिफाइन करूं, सो इट इज़ बेसिकली योर अबाउट डेटाबेस।

ठीक है सो थ्री पॉइंट ओ क्या है अब इसमें जो डेटा है वो किसी एक पर्सन या व्यक्ति के द्वारा ओन नहीं है इट्स शेयर इट्स लाइक यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द क्लाउड्स राइट सो वो डेटा हम शेयर कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से एंड इसको हम सिमेंटिक वेब बोलते हैं द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन इन अ मोर रीजनेबल वे देन गूगल कैन एवर अटेंड विद एग्जिस्टिंग इंजन स्कीमा सो दैट्स अबाउट योर वेब थ्री पॉइंट ओ थ्री पॉइंट ओ के पांच फीचर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए जो एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं एक तो ये सिमेंटिक वेब कहलाता है इट्स अबाउट द स्ट्रक्चर कैसे हम वेब oh, oh से सिमेंटिकली हमने उसको स्ट्रक्चर वाइज क्रिएट किया उसका स्कीमा उसको एनालिसिस बेस्ड बनाया डेटा बेस्ड बनाया देन वी स्टार्टेड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेरी इंपॉर्टेंट ए आई को हम यूज करने लग गए इट वॉज मोर अबाउट इन टर्म्स ऑफ सीरी वॉइस रिकोगशन वी आर

फिर 3.0 पॉइंट ओर पर कहानी खत्म नहीं होती है सो थ्री पॉइंट अब बहुत ज्यादा पोर्टेबल पर्सनल हो गया है इंडिविजुअल फोकस होता है लाइव स्ट्रीम्स अभी आप देखते हैं लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है सब जगह ठीक है यू हैव रूम्स पीपल कैन कम देयर एंड टॉक एंड यू नो मेक गिव देयर सेशन एंड ऑल दैट स्मार्ट एप्लीकेशन यूजर बिहेवियर को यहाँ पे एनालाइज किया जाता है नॉट जस्ट टैगिंग लाइक वी डिड इन टू राइट सो इट वॉज इट इज मोर अबाउटीजमेंट यूजर एंगेजमेंट एंड इट इज कॉल्ड सिमेंटिक वेब इसको हम ब्रिटानिका टू पॉइंट विकीपीडिया वेब देन वी है मोर द रिसन विच इज नॉट इवन डेवलप प्रॉपरली और वी कैन से वी आर ऑलमोस्ट यूजिंग इट वेब फोर पॉइंट ओर इसको हम मोबाइल वेब बोलते हैं ये कोई नया वर्जन नहीं है जो हम सब कंप्यूटर्स पे करते थे अब सब कुछ मोबाइल्स पे होने लग गया है सो इट्स अबाउट द मोबाइल सराउंडिंग्स एंड सारा कुछ अब रियल वर्ल्ड में कनेक्टेड है जैसे आपने सुना होगा मेटावर्स मेटावर्स आई विल बी टेकिंग इन सम अदर लेक्चर एंड दैट इज़ अनदर द ह्यूज एक्सटेंशन एंड ऑल दीज कम टूगेदर फॉर दिस वर्स सो द लास्ट थिंग दिसर इज वेब फाइव पॉइंट हो सो इट्स इंटेलिजेंट वेब फाइव पॉइंट हो को आप बोल सकते हो यहाँ पे इमोशंस आर देयर सो द यूज़र्स इमोशंस आर यूटिलाइज यहाँ पे सिर्फ अब एक सीमेंटिक स्टैटिक पेज नहीं है पार्टिसिपेटिव भी नहीं है डेटा ब्लॉग कंटेंट ये सब ठीक है लाइव स्ट्रीमिंग भी है अब हम यूजर्स के इमोशंस को समझेंगे ये एक सिम्बायोटिक वेब है फाइन सो इट विल बी मोर एक्साइटिंग मोर पावरफुल कम्युनिकेशन जैसे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं इंटरनेट पे हम बात कर पाएंगे शायद हम इंटरनेट के बिना रह भी नहीं पाएंगे इट वुड बी समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट सो आगे जाके देखना पड़ेगा क्या होगा ये इट विल बी इमोशनल इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमन एंड कंप्यूटर फॉर द मोमेंट वेब इज इमोशनली न्यूट्रल अभी हमारे लिए कंप्यूटर इमोशनली न्यूट्रल है कोई इमोशंस नहीं है कंप्यूटर हमें मिस नहीं करता बट प्रोबेबली आगे जाके फाइव पॉइंट ओ में इट विल बी ऑल अबाउट इमोशंस राइट सो इमोशंस ऑफ द पीपल विल बी विल्क टू द इमोशंस ऑफ कंप्यूटर एंड फेशियल रिकोगशन चेंज ऑफ एक्सप्रेशन एवरीथिंग विल बी डिटेक्टेड सो लेट्स सी वॉट इट विल बी सो हेयर यू नो वी मूव फ्रॉम वेब ऑफ कंटेंट टू वेब ऑफ कम्युनिकेशन फिर कॉन्टेक्स पे आए फिर वेब ऑफ थिंग्स पे आए वैन इंटरनेट इज मोर प्रोफाउंडेड वी स्टार्ट यूजिंग यू नो स्पेस वी स्टार्टिडिंग कम्युनिटी जियो स्पेशल टैगिंग रोबोटिक्स एवरी थिंग एंड देन फाइनली इट्स वेब ऑफ थॉट्स थिंग्स से हम मूव करके आ गए हैं थॉट्स यानी कि इमोशंस पे एंड वी हैव मूवड इन फाइव पॉइंट ओ मच अड So, this was a very uh, important piece of information, kya hota hai, web 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, that's very important. Uh, this year also question was asked and in coming years also you could be asked the questions related to it. So, I hope you enjoyed this short, crisp, uh, crisp piece of information from Maya and I will be soon back with yet another piece of information. Till then, take care and keep studying and keep enjoying. See you.